ये जो लास्ट वीडियो थी, हमने इसमें वर्किंग मेथड लोपा कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब किसी एक प्रोसेस डिविएशन, जो मेरा ये प्रोसेस है यहाँ पे कोई एक डिविएशन सिनेरियो होगा जिसे हैजर्डियस कंसिक्वेंस होगा, और उसके बाद मेरी जो लेयर्स हैं वो एक्ट करेंगी, यहाँ से लोपा का जो वर्किंग मेथड है कैलकुलेट होता है। अभी जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि ये डिफरेंट लेयर है क्या। इनर सर्कल से चालू होती है, सबसे पहला बात ध्यान रखिए, बाहर से अंदर की ओर नहीं आता, अंदर से इधर बाहर की ओर ऐसे जा रहा है ये जो लेयर्स है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहली लेयर है प्रोसेस डिजाइन, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है प्रोसेस डिजाइन, ये लेयर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला लेयर है प्रोसेस डिजाइन, मतलब मेरा जो प्रोसेस है उसकी डिजाइन इनहेरेंटली सेफर होनी चाहिए, मतलब तो कोई भी अंदर डिविएशन आ रही है उसको प्रिवेंट कर ले, उस डिविएशन को होने ना दे, फुल प्रूफ सिस्टम रहे। तो ये मेरा लेयर वन है। लेयर टू क्या है? बेसिक कंट्रोल्स, प्रोसेस अलार्म्स एंड ऑपरेटर सुपरविजन, ये मेरा लेयर टू है। लेयर थ्री क्या है? क्रिटिकल कंट्रोल्स, क्रिटिकल अलार्म्स, ऑपरेटर सुपरविजन एंड मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब कोई क्रिटिकल अलार्म बजा, ऑपरेटर ने सुपरवाइज किया, उसको पता चला कि यहाँ पे क्रिटिकल अलार्म आ गया है, वो मैनुअल इंटरवेंशन करके उस क्या कहते हैं जो डिविएशन होने वाली है उसको रोक दे, जिससे कि हैजर्डियस कंसिक्वेंस ना हो। क्या हैजर्डियस कंसिक्वेंस? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो रपच्चर ना कर दे वेजल को प्रेशराइज होने के बाद, तो उसको बचा लिया आपने, तो ये थर्ड लेयर है। फोर्थ लेयर क्या है? ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब वहां पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, खुद एक्ट करे SIS, ये फोर्थ लेयर है ब्लू वाली। ये लेयर में अगर मान लीजिए एक फ्लेम बर्नर है और वो फ्लेम बर्नर अंदर ऑन हुआ और उसमें आपका आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो वहां पे फोटो रिसेप्टर लगे हों, फोटो जैसे ही रिसेप्टर को डिटेक्ट हो कि ये फ्लेम अनकंट्रोल्ड हो रही है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल दे गैस फ्लो को, जो फीड आ रही थी गैस की, और वो गैस फ्लो बंद हो जाए, तो दिस इज SIS। ये लेयर फोर होती है। लेयर फाइव फिजिकल प्रोटेक्शन है, जिसमें रिलीफ वॉल्स वगैरह लेयर फाइव में जाते हैं, रिलीफ वॉल वगैरह लेयर फाइव में जाते हैं। लेयर सिक्स फिजिकल प्रोटेक्शन, मतलब डाइक्स वगैरह जब होती हैं, ये मिटिगेटिव सेफगार्ड्स में आ गया, देख लीजिए यहाँ से मिटिगेटिव सेफगार्ड स्टार्ट होता है लेयर नंबर सिक्स से, और लेयर नंबर सेवन प्लांट इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी मिटिगेटिव सेफगार्ड से। तो क्या डिफरेंस है? अभी तक जो हमने सारी लेयर पढ़ी वो प्रिवेंटिव सेफगार्ड थी, और मिटिगेटिव सेफगार्ड में मतलब प्रिवेंटिव सेफगार्ड्स उस हैजर्डियस कंसिक्वेंस को होने नहीं देंगी, और वो हैजर्डियस कंसिक्वेंस को कंट्रोल करके प्रिवेंट करेंगी डैमेज होने से। लेकिन जो मिटिगेटिव सेफगार्ड्स है वो डैमेज होने के बाद, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ, रपच्चर हुआ वेजल, उसके बाद आपका जो काम चालू होता है, मतलब डाइक में वो मटेरियल इकट्ठा हो गया और लोग जो फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया, ये मिटिगेटिव सेफगार्ड है। इनका भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोपा इनको ज्यादा क्रेडिट नहीं देता, लोपा क्रेडिट ज्यादा देता है प्रिवेंटिव सेफगार्ड्स को, ठीक है। ज्यादा काम आपको किसी भी रिस्क को टोलरेबल करने के लिए प्रिवेंटिव सेफगार्ड पे करना पड़ेगा। कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो प्लांट इमरजेंसी के बाद की यहाँ पे एक लेयर रहती है, कि अगर प्लांट से इमरजेंसी बाहर चली गई है उसके बाद कम्युनिटी हेल्प करती है, उसको लोपा क्रेडिट इसलिए नहीं देता क्योंकि इमरजेंसी अगर कम्युनिटी के पास तक चली गई है इसका मतलब डैमेज ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये लेयर्स है टोटल 1 to 8, जिसमें लेयर 8 यहाँ शो नहीं है, और ये कॉपीराइटेड फोटोग्राफ है AICHE CCPS का, इससे मैंने कोशिश किया आपको लेयर्स समझाने का। सो लोपा फॉर्मूले के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे इन लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।